हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अंकुश शर्मा में। तो गाइस, फ्री फायर के अंदर एक बिल्कुल नया इवेंट आ चुका है जिसका नाम है फूड चैलेंज, जिसके अंदर आप डायमंड खर्च करके गाइस काफ़ी अलग अलग तरीके के बंडल ले सकते हो, काफ़ी अलग अलग तरीके के प्राइजेस ले सकते हो। तो उसी इवेंट के अंदर गाइस मैं कुछ डायमंड खर्च करने वाला हूँ और पूरी डिटेल बताने वाला हूँ उस इवेंट की, कैसे आपको उस इवेंट में डायमंड खर्च करने और कैसे उस इवेंट के अंदर खेलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, ये फूड चैलेंज इवेंट जो फिलहाल अभी सिर्फ बैनर से खुल गया और ये कब से कब तक चलेगा, ये चलेगा 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक, तो पूरा एक हफ्ते के लिए इवेंट आया। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, ये हमारा इवेंट और इसके प्राइस पूल के अंदर भी आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ये चीज़ें आपको प्राइस पूल के अंदर मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, टॉप शेफ बंडल मिल रहा है, टॉप पेस्ट्री शेफ बंडल मिल रहा है, और फिर ग्रीन कलर का एक बंडल मिल रहा है, और काफ़ी अलग अलग टाइप के बंडल मिल रहे हैं। और फिर जाके गाइस यहाँ पर पर्पल प्लेट में आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती है। तो प्लेट वाइज गाइस आपके रिवॉर्ड से है, तो जितनी अच्छी आपकी प्लेट होगी उतने अच्छे आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। तो पर्पल प्लेट में जो जो चीज़ें मिल रही है वो सारी चीज़ें मेरे पास पहले से है, भूया बॉक्स को छोड़ के। फिर ब्लू प्लेट में भी गाइस आपको काफ़ी वो चीज़ें मिलेगी जो आपको ऑलरेडी होगी आपके पास, और जो रेयर दही होती है ज़्यादा, तो यहाँ पर आपको घर क्रेट वगैरह मिल रही है, और फिर ये टाइकोटा वगैरह बंडल मिल रहे हैं। तो सबसे रेयर प्लेट गाइस गोल्ड प्लेट है, और गोल्ड प्लेट यहाँ पर मेरे को अभी दिखा भी नहीं रहा है, और फिर ब्लू प्लेट और ग्रीन प्लेट ज़्यादा रेयर दही है। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस डिफरेंट कलर ऑफ प्लेट कंटेज से डिफरेंट रिवॉर्ड, तो वो सारे रिवॉर्ड मैंने आपको दिखा रही है। ओपन प्लेट टू गेट रिवॉर्ड फ्री वन बोनस प्लेट वेन प्ले 5 प्लेट्स आर ओपन, तो अगर आप 5 प्लेट ओपन करते हो तो आपको एक बोनस रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो गाइस अब आप इसके अंदर स्पिन करने वाले हैं, और आप स्किप भी कर सकते हो गाइस स्पिन करने के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहले ओपन करते हैं, ओके डोंट रिमाइंड मी कंफर्म, तो यहाँ पर हमने कंफर्म करा है, ठीक है। तो हमको रीसप्लाई मैप मिला है सबसे पहले, तो यानी कि हमको कौन सी क्रेट आई थी गाइस, तो यहाँ पर हमारी ग्रीन प्लेट आई थी, और जो भी प्लेट आपकी बीच में आएगी वही प्लेट मारी जाएगी शायद। तो चलिए एक और ओपन करते हैं, ओपन 99 डायमंड का ऑप्शन आया है, तो सेकंड प्लेट जब आप ओपन करते हो 99 डायमंड में ओपन होती है, तो 99 डायमंड में आपको राफेल करेक्टर मिला है। अब अगली प्लेट का प्राइस देखते हैं, तो फिर 9 डायमंड का ऑप्शन आ रहा है गाइस, तो यहाँ पर चेंज होता जा रहा है, प्राइस चेंज होता जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो कंफर्म पे क्लिक करते गाइस, अच्छा ब्लू प्लेट का ओके, तो यहाँ पर बोनफायर प्ले कार्ड मिला है आपको। अब ग्रीन प्लेट आई है गाइस, ग्रीन प्लेट में 29 डायमंड लिखा आ रहा है, ओके। तो ये सामने वाली प्लेट है गाइस जिसपे यहाँ पर आप देख सकते हो ना, जिसपे स्पॉटलाइट आ रही है वो वाली प्लेट आपकी ओपन होगी, और ऐसे करके करके गाइस अगली ओपन होगी, अगली ग्रीन ओपन होगी, फिर ब्लू ओपन होगी। तो इस तरीके से आपके प्लेट का प्राइजेज है गाइस, और 3 सेम प्लेट नहीं आएगी गाइस, तो 3 सेम प्लेट वाली चीज़ गलत थी। तो यहाँ पर चलिए कंफर्म करते हैं, आप एक ही प्लेट को ओपन कर सकते हो जो स्पॉटलाइट के नीचे आएगी, और उसका प्राइस भी उसी के साथ लिखा जाएगा। और अगर आप उसको ओपन नहीं करना चाहते हो, मान लीजिए आपकी 99 डायमंड वाली प्लेट आ गई और आप उसको ओपन नहीं करना चाहते हो, तो आप 5 डायमंड से उसको स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर 9 डायमंड वाली ओपन करते हैं, ओके। तो यहाँ पर गाइस मेरे पास है 5025 डायमंड, और जब तक मेरे पास 4500 डायमंड बचते हैं तब तक मैं इसके अंदर स्पिन करने वाला हूँ। तो 29 डायमंड वाली प्लेट आई है, इसके बाद 9 डायमंड वाली आएगी, और फिर आएगी 99 डायमंड वाली। तो मैं 99 डायमंड वाली भी ओपन करूँगा गाइस, देखना चाहते हैं 99 डायमंड वाली प्लेट के अंदर आपको कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, और जो मेन बंडल है उनमें से आपको कुछ मिलता है नहीं मिलता है। तो ये 99 डायमंड वाली प्लेट हम ओपन करने जा रहे हैं, देखते क्या होता है, जाने क्या होगा बराबर है। तो ब्लू एंजल बंडल मिला है, ये मेरे ख्याल से पहले से है। तो कंफर्म पे क्लिक करते हैं, अब ओपन करते हैं 9 डायमंड वाली प्लेट को। चलिए कंफर्म पे क्लिक करते हैं, तो 9 डायमंड वाली प्लेट में तो कहीं बेकार बेकार की चीज़ें मिल रही है। उम्मीद करते हो आपकी अच्छी चीज़ मिलेगी, लेकिन मेरे को तो अभी तक सारी चीज़ें बेकार बेकार की मिल रही है। 29 डायमंड वाली में भी कुछ खास चीज़ें नहीं मिल रही गाइस, उसमें भी मेरे को यहाँ पर क्रेट वगैरह मिले जाएंगे गल्सकिर की, जो गल्सकिर मेरे पास ऑलरेडी परमानेंट है। तो यहाँ पर बोर्ड फायर मिली है, तो 9 डायमंड वाली क्रेट तो खुल रहा भाई गाइस, बिल्कुल बेवकूफ़ी है, बिल्कुल बेकार है, लेकिन फिर भी क्या करेगा इस 4 डायमंड का उनको वो बचेगा। अगर हम स्पिक भी करते हैं तो 4 डायमंड की भी क्या बचाए, 4 डायमंड बचा के भी क्या करेगा, अगर हम स्किप करते हैं तो भी 5 डायमंड लग जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप 29 डायमंड वाली में देखते गए। फिर से आपको न्यू ईयर एपी 40 बॉक्स मिला है, तो बॉक्स मिले जा रहे गए। तो 99 डायमंड वाली ही चाहिए मेरे को, 99 डायमंड वाले में ही कुछ मिल सकता है। तो यहाँ पर गाइस बोर्ड फायर कार्ड मिला आपको, और स्किप करते गाइस, यहाँ पर अब 99 डायमंड वाली प्लेट दिखी नहीं रही है। हगर यूएपी बॉक्स मिला है, तो 4500 डायमंड तक आपको इसके अंदर स्किप करना है, मतलब आपको 4500 डायमंड तक आपको इसके अंदर स्पिन करना है, खोलते रहना है। तो देखते गाइस 468 हो गया, तो 190 डायमंड अभी हमारे पास बची है। 99 डायमंड वाली क्रेट जल्दी आ, और आपको कुछ अच्छा से रिवॉर्ड दिया जाए, कोई ऐसा रिवॉर्ड दिया जाए जिसके अंदर आपको कुछ मिल जाए। तो गोल्ड प्लेट तो गाइस दिखी नहीं रही है गाइस, गोल्ड प्लेट तो आई नहीं रही है, गोल्ड प्लेट में ही शायद आपको मिलेगी अच्छी चीज़ें, तो गोल्ड प्लेट तो आई नहीं रही है। तो अब गाइस 29 डायमंड वाला स्पिन करते हैं, और इसके अंदर भी कुछ भी नहीं मिला, तो गाइस अब आप स्किप करते रहेंगे जब तक हमारी कोई अच्छी वाली क्रेट नहीं आ जाती है। तो यहाँ पर अब स्किप करने वाले गाइस नेक्स्ट, ओके डोंट रिमाइंड भी करते हैं। चलिए स्किप कंफर्म कर दिया, 9 डायमंड वाली स्किप, 29 डायमंड वाली स्किप, 9 डायमंड वाली स्किप,
और 29 डायमंड वाली स्किप आगे गाइस, ये भी पर्पल आई है गाइस, गोल्ड आई नहीं रही है, गोल्ड प्लेट तो आई नहीं रही है गाइस, गोल्ड प्लेट आने का दाम भी नहीं ले रही है। ओपन करते गए 99 डायमंड वाली, ओपन गगन स्टाइल, तो पोर्टेबल इंक्यूबेटर बैकपैक मिला ये मेरे पास परमानेंट है। तो गाइस बिल्कुल गाइस ये 4500 डायमंड वाले खत्म हो चुके हैं और हमको कुछ भी नहीं मिला। जाते जाते एक 9 डायमंड वाला स्पिन कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। तो बाउंटी टोकन प्ले कार्ड मिला गाइस और गोल्ड प्लेट तो आई नहीं है गाइस, गोल्ड प्लेट तो आई नहीं है और ब्लू प्लेट आई है गाइस। तो ग्रीन प्लेट और ब्लू प्लेट के रिवॉर्ड तो गाइस काफ़ी बेकार है, इनको तो गलती से मत खोलिएगा, आपको बेकार की चीज़ें मिलेगी। अगर आप पहले रिवॉर्ड देख लीजिएगा, अगर आपके पास इनमें से कुछ चीज़ नहीं होगी ग्रीन प्लेट और ब्लू प्लेट वाले रिवॉर्ड में से, जैसे आपके पास टाइक्वांडो बंडल नहीं होगा ग्रीन प्लेट रिवॉर्ड वाली चीज़ में, और अगर आपका ब्लू प्लेट रिवॉर्ड वाली चीज़ में ये वाले बंडल नहीं होंगे, ये भूया बॉक्स नहीं होगा, तो मेरे पास भी भूया बॉक्स नहीं है लेकिन फिर भी नहीं मिला, तो ये नहीं होगा अगर आपका ब्लू प्लेट में, तो इनको खोल लीजिएगा, वरना इसको मत खोलिएगा। पर्पल प्लेट में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो ही पर्पल प्लेट को खोलिएगा। तो मेरे पास तो ये सारी की सारी चीजें थी, अच्छा भुया बॉक्स को छोड़ के बाकी सारी चीजें थी, लेकिन मेरे को भुया बॉक्स भी नहीं मिला पर्पल प्लेट के अंदर से। और फिर गोल्ड प्लेट है गाइस जो कि मेरी आई नहीं, गोल्ड प्लेट तो आई नहीं और वो मेरे को मिला भी नहीं। तो गोल्ड प्लेट गाइस अगर आप ऐसे स्पिन करते रहोगे तो एक ना एक बार गोल्ड प्लेट भी आएगी जिसमें आपको गाइस गोल्ड प्लेट वाले रिवॉर्ड मिल सकते हैं। तो हमने काफ़ी सारी प्लेट खोली है, तो गाइस यहाँ पर ये भी लिखा हुआ था बाय 5 गेट 1 फ्री, तो यहाँ पर गाइस 4 हमको प्लेट फ्री में मिलेगी, तो कंफर्म करते हैं। ठीक है, अभी अब आपको 3 प्लेट फ्री में मिलेगी और ये पता भी चले कौन सी प्लेट मिल रही है, नॉर्मल प्लेट मिल रही है कैसी प्लेट मिल रही है। तो गाइस यहाँ पर ये रीसप्लाई मैप मिला है, चलिए ओके, तो एक और वन पे क्लिक करते हैं और ये हंगर यूएम पे मिल रही है। तो गाइस हमारी फ्री की प्लेट भी खत्म हो चुकी है और हमको कुछ भी नहीं मिला इस इवेंट के अंदर से, कुछ भी खास नहीं मिला। तो अब आप यहाँ पर रिवॉर्ड्स भी देख सकते हैं गाइस, तो फैसर वाली चीज़ में आपको कुछ भी नहीं मिला, तो फैसर वाली चीज़ में कुछ भी न्यू नहीं आ रहा है, और यहाँ पर गाइस आपको ये सारी चीज़ें आ रही है, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी परमानेंट है। तो गाइस ये सारी चीज़ें परमानेंट है, तो मेरे पास स्कैन कार्ड मिलेगा इसकी जगह, तो सारी को जल्दी से खोलते गाइस, सबकी जगह आपको स्कैन कार्ड मिलेगा इस सारी क्रेट की जगह, क्योंकि मेरे पास सारी गाइस स्किन है, तो कोई भी गाइस स्किन ऐसी नहीं है कि मेरे पास नहीं है। ओके, इसके बाद गाइस बंडल में देखते हैं, तो बंडल एक मिलेगा इस ब्लू एंजल बंडल, तो शुक्र है गाइस इसके मेरे पास कुछ पीसेस नहीं थे, वरना मेरे 500 के 500 डायमंड, 500 600 700 जितने भी मैंने डायमंड लगाए वो वेस्ट हो जाते। तो गाइस मेरे को इतने सारे डायमंड लगाने के लिए ये ब्लू एंजल बंडल मिला है, पहनने वाला तो मैं हूँ नहीं लेकिन फिर भी मिल गया, चलो डायमंड वेस्ट नहीं हुए हैं। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं, ओके, तो एक पीस हमारे पास इसका पहले से था, उसकी जगह आपको फ्री फायर टोकन मिला है। अदर्स में देखा जाए तो गाइस अदर्स में आपको फ्री फायर टोकन वगैरह ही मिले और कुछ नहीं मिला है, तो फैसल में आप जाके गाइस आपको ब्लू एंजल बंडल मिला है, वरना फैसल में आपको कोई भी चीज़ नहीं मिली थी दीव। तो आपने देखा गाइस मैंने कितने सारे डायमंड खर्च करे, मेरे को क्या क्या मिला है, तो गाइस ये चीज़ देख के आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको इस इवेंट के अंदर डायमंड खर्च करना है नहीं करना है, और आप समझ ही गए होंगे इस इवेंट में आपको खेलना कैसे है, तो वो भी आप खेल लीजिएगा। ओके गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपके लिए जोरदार क्लैपिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है काम की लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल अच्छा लगता है काम का लगता है तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल पे नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी काम की वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले आके देख सको। ओके गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।